ऐसे तो टाइम कभी भी नहीं गुजरेगा। अब्बा, क्या मैं सारा के साथ खेलने उसके घर जा सकती हूँ? नहीं जैनब, तुम अभी बाहर नहीं जा सकती। अब्बा, मुझे पता है कि बाहर जाने से मैं कोरोना वायरस का शिकार हो सकती हूँ, मगर मैं मास्क पहन कर जाऊंगी और हाथ भी धो लूंगी और अपने मुंह और आंखों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अब ठीक है? मगर कोरोना वायरस से बचने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं जैनब, हमें सामाजिक फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए दूसरों से दूर रहना है। मगर अब सारा तो मेरी दोस्त है ना? जैनब, हमें सिर्फ अपनों से ही नहीं दूसरों से भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, क्योंकि हमें अपने साथ साथ उनको भी महफूज बनाना है। अब्बा, ये क्या हो गया है? स्कूल से भी छुट्टियां हैं, बाहर भी नहीं जा सकते, मैं तो घर में रह रह कर बोर हो जाऊंगी। अब्बा, कायद, ये सब क्या हो रहा है? घबराओ नहीं जैनब, ये एक डरावना ख्वाब है, लेकिन अगर हमने एहतियात ना की तो ये हकीकत बन सकता है। मगर वो कैसे? अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो हालात कुछ ऐसे हो सकते हैं। इस वायरस का मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना होगा? जैनब, हम सबको जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपना अपना किरदार अदा करना होगा। सिर्फ हमें ही इस वायरस से नहीं बचना, बल्कि दूसरों को भी बचाना है, और इसके लिए हुकूमत और शहरियों को मिलकर काम करना होगा। मगर हाँ, घर में रहकर हमें इस वक्त को जाया नहीं करना, बल्कि इसका भरपूर फायदा उठाना है। मगर वो कैसे? ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा जैनब, पहला कदम उठाकर। यार, मैं तो घर में बहुत बोर हो गया हूँ। क्यों बोर हो रहे हो? तुम्हें पता है कि हम इस फ्री टाइम में बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हम घर में रहकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? लो जी, एक और नई साइंस सुनो। वाओ, इतना कुछ सीख भी लिया और वक्त का पता भी नहीं चला। तो कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है, सीखना है और पढ़ना भी।